सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ मौसमी की दुनिया एंड आई एम योर होस्ट मौसमी मलिक। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आप सोच रहे होंगे कि संडे है तो संडे में स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं। तो संडे को भी हमारा स्कूल लग रहा है ड्यू टू अवर एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन की तैयारी करने के लिए संडे को भी छुट्टी नहीं है। हम यूजुअली ये मान के चल सकते हैं कि इस महीने यानी दिसंबर के महीने में कैलेंडर में संडे या कोई लीव नहीं है। तो अभी सब आ चुके हैं, स्कूल में भी होने वाली है हमारी डांस की प्रैक्टिस। ये कुछ बच्चे इधर हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। तो जैसे ही सब आते हैं हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, फिर आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहो, देखते रहो, बाय बाय। तो अभी मैं सिखा रही हूँ बच्चों को, एक डांस फॉर्म है हमारे एमपी का फोक डांस जिसको बोला जाता है बधाई। तो इसको मैं कोरियोग्राफ कर रही हूँ। सो इस वाले सॉन्ग को मैं कोरियोग्राफ कर रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों को सिखाना लिटरली बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जिनके साथ साथ मुझे भी डांस करना पड़ता है, तो जितने स्टेमिना इन सारे बच्चे मिलकर लगाते हैं कहीं ना कहीं उतना मुझे अकेले को लगाना पड़ता है ताकि मैं इनको अच्छे से सिखा पाऊँ। सो यहाँ पर इन बच्चों की अभी क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस चल रही है। हम लोगों ने बड़ा ही अच्छा से एक कॉम्बो बनाया है जिसमें है कथक भरतनाट्यम प्लस ओडिसी का एक फॉर्म है। तो अभी इन बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही हैं सुकन्या मैम। तो मैंने कहा मैं तब तक थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी इतने सारे बच्चों को एक साथ सिखाना। और इतना हम लोग का जो सॉन्ग है इतना फास्ट है, इतने सारे बीट्स हैं उसमें, आपने शायद सॉन्ग में सुना ही होगा, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। मैं जब तक बच्चे ये वाला प्रैक्टिस करते हैं तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, साथ में मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया। सो गाइज, तब तक आप अच्छे से परफॉर्मेंस को देखिए। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा हो तो जल्दी जल्दी से यार कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो वीडियो को, है ना। जब तक मैं रेस्ट करती हूँ बच्चे ये वाले परफॉर्म करते हैं, तब तक आप वीडियो को एंजॉय करो बस। फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी परफॉर्मेंस भी दिखाने वाले, कहीं जाना मत, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बाकी हैं। और ये देखिए बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। और ये रही हमारी क्लासिकल क्वीन, हमारी सुकन्या मैम। तो ये करवा रही है ये वाला डांस फॉर्म और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट। तो मैं अभी यहाँ पर आ चुकी थी स्टेज तरफ। तो यहाँ पर महाकाल एक्ट चल रहा था जो कि बहुत ही औसम है। तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट करते हैं, आपको दिखा देते हैं महाकाल पे जो सॉन्ग है उस पर बम भोले वाला। और ये जो करवा रही है वो करवा रहे हैं हमारे कोरियोग्राफर टीम्स जो बाहर से आए हैं। तो
ये तो जस्ट शुरुआत है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। आगे आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। अब यहाँ पर चल रहा है हमारे सॉन्ग का लाइव रिकॉर्डिंग। हमें जो सॉन्ग परफॉर्म करना था, यानी जिस सॉन्ग को मैं कोरियोग्राफ कर रही थी, वो लाइव चलने वाला है। लाइव बच्चे गाएंगे और उस पर ही हमें परफॉर्म करना था। यहाँ पर सर सिखा रहे हैं किस तरीके से गाना है और बच्चे भी गा के सुनाने वाले हैं। और ये देखो सारे बच्चे आ गए उधर से, क्लासिकल परफॉर्म करने के बाद डायरेक्ट वो यहीं आ गए। यहाँ पर आकर भी हमें लाइव अभी परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम लाइव सॉन्ग पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हम रिकॉर्डेड सॉन्ग पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी पता चल रहा है कुछ कुछ वर्डिंग्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही चेंज है, जो अभी तक हमने सॉन्ग में परफॉर्म किया वो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अंतरे या मुखड़े जो है बिल्कुल चेंज है। पैरा का पैरा ही परफेक्टली चेंज था। तीन पैरे ऐसे आए जो हमने अपनी वीडियो में देखा ही नहीं था। तो हमने कहा यार अब इसको कैसे कोरियोग्राफ करेंगे, अब फिर से मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो चलो देखते हैं, पहले अच्छे से बैठ कर सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, पूरा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। और अब देख सकते हो, अब सारे के सारे जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं बोल सकते, हमारी डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर, फिर जितने भी लोग थे सब यहाँ प्रेजेंट हो गए थे। क्योंकि ये वाला जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमारा बुंदेलखंड का फोक या बुंदेलखंड की जान मानी जाती है, जो है बधाई और राई। तब उसी चीज़ की प्रैक्टिस होने वाली थी, तो सर यहाँ पर लाइव देखने वाले थे, लाइव म्यूज़िक विद लाइव डांस परफॉर्मेंस। तो अभी एक्चुअल में जिन बच्चों को ये सॉन्ग गाना है वो गा रहे हैं। सर ने अभी उनको एक बार जस्ट सिखाया था कि किस तरीके से कहाँ पॉज वगैरह देना है, और मैं बड़े अच्छे से गाने को सुन रही थी और साथ में कर रही हूँ रिकॉर्ड, ताकि कल से हम अपनी प्रैक्टिस फुल फॉर्म में कर सकें। हमारे पास एक्चुअल की वर्डिंग्स और एक्चुअल के पूरे पैराज आ गए, और बीट कहाँ पर रुक रही है, कहाँ फास्ट हो रही है, कहाँ स्लो, ये हर एक चीज़ हो गया। क्योंकि लाइव म्यूज़िक और रिकॉर्डेड म्यूज़िक में बहुत डिफरेंट होता है, तो मैंने कहा मैं पहले पूरा सुनूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, इसके बाद हम डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। Thank you.
फाइनली आ चुके हैं स्कूल से और रेडी वेडी हो गए फिर से निकलना है मार्केट, क्योंकि कुछ है मार्केट में काम। चलो चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करें। ओके मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं आई हूँ, मैं जस्ट एक ऑनलाइन की शॉप में आई हूँ, मुझे थोड़ा सा काम था। चलिए आपसे काम निपटाते फिर घर चलते, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड फाइनली आ चुके हैं घर वापस, ऑनलाइन का काम वगैरह जो था वो सब करवा कर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है बॉडी में वीडियो शूट करने का आगे या कुछ भी आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। स्कूल में आज संडे था, संडे को भी स्कूल गए और बाकायदा 6 की जगह पे 7 घंटा रुक कर प्रॉपर प्रैक्टिस करवा कर आए हैं। डांस में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है आज, तो पूरे दिन डांस 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 और डांस की प्रैक्टिस चली, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गया है सीरियसली। और हम लोग का जो सॉन्ग है स्पेशली जो मुझे सॉन्ग मिला है करवाने के लिए बच्चों को, वो है बधाई, काइंड ऑफ हमारा बुंदेलखंड का जो सबसे फोक सॉन्ग है या सबसे लोकप्रिय जो चीज़ होती है वो होती है बधाई और राइत। उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेस और बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है जब आप अकेले, स्पेशली अगर आप सिंगल करते हो तो एक अलग बात होती है, या खुद करते हो तो अलग बात होती है, जब आप दूसरों को सिखाते हो तो वो काइंड ऑफ बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात मतलब मेहनत के तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगती है। करीबन 18-20 गर्ल्स हैं मेरे पास जो बधाई में हैं, तो उनको 18-20 गर्ल्स को एक साथ में करवाना बहुत बड़ा ही टास्क है। सबका अलग अलग पार्ट है, सबके अलग अलग स्टेप हैं, सबको समझाना कि तुम्हें इस टाइम पे जब ये निकल के आएंगे ये करेंगे तब आपको ये करना है, या जब दो पेयर आएगा तब बाकी जो पेयर बचते हैं हमारे उनको ये करना है। तो इसमें आपका फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा जाता है, स्पेशली जब आपका सॉन्ग लाइव हो, रिकॉर्डेड हो तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन जब लाइव सॉन्ग पर गाना बज रहा है आपको तब प्रैक्टिस करवाना है तब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पहले मैंने बच्चों को जो रिकॉर्डेड सॉन्ग है उस पर प्रैक्टिस करवाया था ताकि उनसे स्टेप्स आने लगे, उसके बाद हम लाइव पे जाएंगे। तो जब लाइव म्यूजिक में हम गए तो हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि लाइव वाले म्यूजिक में कुछ ऐसे ऐसे अंतराज हैं जो अभी तक हमने कभी सुने ही नहीं थे, ना ही उन वर्ड्स को हमने सुना था, ना ही उन पे कभी हमने कोई स्टेप बनाए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा तरीके से फिर से अच्छे से कोरियोग्राफ करना होगा, क्योंकि अभी तक जिस सॉन्ग पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ओनली 40% लाइव सॉन्ग से मैच कर रहा था, यानी 60% का वर्क हमें फिर से हार्ड, बहुत मेहनत के साथ फिर से हार्ड वर्क करना होगा ताकि हम पूरा 100% मैच कर पाए। और चाचा जी ने, यानी कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि ये वाला परफॉर्मेंस तुझे बहुत ही अच्छा करवाना है ताकि ये बहुत ही हाईलाइट होकर निकले और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और इसमें बार बार घेर में स्टेप चेंज होंगे, बार बार बीट चेंज होगा, अलग अलग राई वाले गर्ल्स को अलग रखना पड़ेगा, फिर बधाई वाले को अलग, बीच बीच में 3-4 पार्ट हैं इसमें, तो जब स्टेप चेंज करें तब पता ना चले, ऑडियंस को पता ना चले कि स्टेप चेंज हो रहे हैं या लोग चेंज हो रहे, वो जस्ट उनको सब इक्वल, उनको सडन के सडन दिखना चाहिए, बीच में कोई पॉज नहीं आना चाहिए, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है, अभी जस्ट नीचे जाएंगे खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो ओके गाइस बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यही मान के चलो गाइस कि हमारे लाइफ में या हमारे कैलेंडर में इस महीने कोई संडे या कोई छुट्टी नहीं है। बाय बाय।